हेलो प्रिंस ऐड हो गया इसमें प्रिंस। यस ओके प्रिंस आपके क्लास में सभी की क्लास में एक न्यू स्टूडेंट है, ठीक है। इसका ये एज ए गेस्ट है, अभी जब ऑफिशियल आईडी मिल जाएगी तभी एज ए मेंबर ज्वाइन हो जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है? पीपीटी का फर्स्ट स्लाइड है, सर्विंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सबको? नो सर, नो सर, नो सर, ओके नो सर, नो सर, नो सर, आप दिखाई दे रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, जी चलो चलो स्टार्ट यस करते सर। हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी यस कि हम एक्सीडेंट एरर और जिसको हम रैंडम एरर भी बोलते हैं उसको कैसे मिनिमाइज करें, और हमें ये पता चला था कि रैंडम एरर और एक्सीडेंट एरर एक लॉ फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो छोटे एरर हैं किसी भी रीडिंग को मेजर करते वक्त जो स्मॉल एरर हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और जो बड़े एरर हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है। एक तो ये इसका रूल था या एक फीचर्स था, साइलेंट फीचर, और एक दूसरा था कि जो भी आपका पॉजिटिव एरर आ रहा है उतना ही सेम साइज का नेगेटिव एरर आने के भी चांस हैं, सेम साइज के एरर आएंगे, ठीक है। और जो आपका लार्ज एरर है वो आपका इनफ्रिक्वेंट होगा। तो एक्सीडेंट एरर और रैंडम एरर के तीन फीचर्स थे जो एक लॉ को फॉलो करते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमारा जो एम है वो है कि एक्सीडेंट एरर को कैसे मिनिमाइज किया जाए। इंस्ट्रूमेंटल एरर और आपका पर्सनल एरर को तो आप कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि पर्सनल एरर क्या हो गया कि आपका जो सर्वेयर है जो ए और बी के बीच में है, कोई भी एंगल एरिया या वॉल्यूम मेजर कर रहा है वो इनएक्सपीरियंस है या वो केयरलेस है, तो वो तो ठीक किया जाता है, एक्सपीरियंस बंदे को लगला के काम किया जा सकता है। और इंस्ट्रूमेंटल एरर इंस्ट्रूमेंट की कोई एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक की जा सकती है। बट इन दोनों को रिमूव करने के बाद हमारे पास थर्ड एरर बच जाता है, एक्सीडेंटल एरर और रैंडम एरर, जिसको हमें मिनिमाइज करना है। तो उसमें हमने एक चीज ये जानी थी कि अगर किसी सिंगल मेजरमेंट का, आपको एक पेंट खुल के दिखाई दे रहा है, मैं राइट कर रहा हूँ कुछ लिख रहा हूँ उस पे? नो सर, यस सर, एक पेंट दिखाई दे रहा होगा, मैं उस पे लिख रहा हूँ कुछ, यस सर, ठीक है ठीक है। यस सर, तो एक चीज कलर एक चीज और डिफाइन की थी कि जैसे कि कोई रीडिंग है आपकी 10.25 मीटर, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसे मैक्सिमम एरर कितना हम एज्यूम कर सकते हैं जिसको हम डेल्टा से हम शो करते हैं, तो मैक्सिमम एरर इसमें जो होगा वो आपका क्या होगा, 0 पॉइंट के बाद जितने डेसिमल है जितने डिजिट है उतने आपको जीरो लगाने हैं, उसके बाद आपको 5 लिख देना है और ये प्लस माइनस होगा। यानी कि जो 10.25 आपने मेजर की है उसमें मैक्सिमम एरर हम एज्यूम कर सकते हैं 0.05 प्लस और माइनस। और इसी में एक बात की थी मैंने कि अगर इसी में प्रोबेबल एरर की लिमिट निकालनी हो तो वो क्या होगी, प्लस माइनस डेल्टा का आपका हाफ करना होगा, तो 0.0025, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग सिंगल मेजरमेंट, एक ही बार एक मेजरमेंट ली है, अब उसमें ये बताना है कि मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है और ये बताना है कि प्रोबेबल एरर कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम एरर कैसे निकाला हमने, डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो फिर 5 लगा दिया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो प्रोबेबल एरर आ गया आपका। तो इस तरह से आप मैक्सिमम में प्रोबेबल एरर निकाल सकते हो किसी भी सिंगल वैल्यू का, ठीक है। आपको एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है स्लाइड पर दिखाई दे रहा है? हेलो, न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है आपको? यस सर, ठीक है। इसको मैं एक बार पढ़ता यस हूँ, सर, उसको समझना ध्यान से। इन कैरिंग ए लाइन अक्रॉस ए रिवर,
across a river एक line है जिसको हमें measure करना है. The following eight reading were taken with a level under identical condition. With a level ना एक instrument है, auto level जिसे हम बोलते हैं, उसकी help से उन्होंने eight readings measures की हैं. ठीक है, जो readings क्या है हमारे 2.322, 2.342, 2.352, 2.306, 2.312, 2.306, 2.302, 2.306, 2.326, कुछ readings इसमें same आ रही हैं और अलग भी आ रही हैं. तो आठ बार हमने एक लाइन को मेजर किया विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेवल. एक बार ऑटो लेवल की इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ. दिखाई दे रही है ऑटो लेवल की जो बड़ी वाली इमेज है, वो उस टाइप का हमारे पास है हमारे आपके कॉलेज में. Yes, sir. ठीक है, ये एक ऑटो लेवल होता है. इसको ट्राइपॉड पे रख के और एक स्टाफ होता है, दूसरे पॉइंट पे स्टाफ रखा जाएगा और ए पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट रखा जाएगा और हम उससे डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और लेवल भी मेजर कर सकते हैं. तो ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से एक रिवर के अक्रॉस एक पॉइंट को मेजर किया गया आठ बार, जिससे हमारी आठ रीडिंग आई. इसमें एक दो रीडिंग सेम भी आ रही है और अलग अलग भी आ रही है. ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन एंड प्रोबेबल एरर ऑफ मीन. अगर मैं आपसे बोलूं केवल एक सिंगल रीडिंग है तो आप बहुत इजीली आप प्रोबेबल एरर कैसे निकालोगे, 0.0025 करके. बट हमारे पास एट रीडिंग है, इन एट रीडिंग से हमें एक रीडिंग में एरर निकालना है प्रोबेबल एरर. तो हमारा फॉर्मूला अलग लगेगा जो कल बताया था. और प्रोबेबल एरर ऑफ मीन, इनके मीन में कितना प्रोबेबल एरर हो सकता है. दोबारा से ध्यान रखना है, प्रोबेबल की हम बात क्या कर रहे हैं. एक तो होता है मैक्सिमम लिमिट, किसी रीडिंग की मैक्सिमम लिमिट क्या है एरर आने की. एक है प्रोबेबल लिमिट, ठीक है, वो और कम हो जाती है और प्रिसाइज हो जाता है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग. आठ रीडिंग में से किसी हर एक रीडिंग में कितना एरर आने के चांस है प्लस माइनस, और मीन में कितना एरर आने के चांस है प्लस माइनस, वो हमें निकालना है. न्यूमेरिकल में ही आता है न्यूमेरिकल, ठीक है, ये आपके एसटी में आ सकता है, आएगा तो ज्यादा मार्क्स का आएगा. बहुत इजी है, बस इक्वेशन आपको याद रखनी है. तो इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं. ठीक है, आपको टेबल दिखाई दे रही है. टेबल में हमने पहले आठ रीडिंग लिख दी है फर्स्ट कॉलम में. अली अब्बास है, अली अब्बास अली अब्बास ये बताओ मेरे को, आपको स्लाइड दिखाई दे रही है ना, एक टेबल बनी हुई है. नहीं सर, टेबल ही नहीं दिख रही. अब आ जाएगी, अब आ जाएगी. देखो कुछ सेकंड सकते हैं, जैसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज करता हूँ ना कुछ भी मैं, तो आपके पास पहुंचने में दिख रही है. अब दिख रही है ना. फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है सर? फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है कौन सी रॉड रीडिंग, रीडिंग्स लिखी है जो हमने आठ रीडिंग ली है एक पॉइंट को मेजर करने के लिए. ठीक है जी सर, समझ में आ गया. यस सर. सेकंड कॉलम में दिया हुआ है वी, वी की वैल्यू. वी होता है हमारा रेजिडुअल एरर. तो तुम बताओगे, लास्ट क्लास में बताया था कि रेजिडुअल एरर क्या होता है सर? लास्ट क्लास में सर कनेक्ट नहीं हो पाई थी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, यहाँ पर बारिश की वजह से सर. अच्छा ठीक है, तो मेरे को ये इशांक, इशांक है? यस सर, यस सर. इशांक बताओ रेजिडुअल एरर क्या होता है? सर वो एक जो हम एवरेज एरर निकाल लेते हैं उसमें से जो हमारा वो परफेक्ट में से उसे माइनस कर देते हैं, जो आता है वो होता है. हाँ हाँ, जो हमने रीडिंग ली है ऑब्जर्व रीडिंग है. लास्ट क्लास में अगर देखा होगा तो मैंने इक्वेशन बताई थी एमपीवी माइनस ऑब्जर्वेशन वैल्यू. एमपीवी होती है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को मीन ही होगा, तो मीन में से हर एक ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस करते जाएंगे तो रेजिडुअल एरर निकलता जाएगा. तो इस टेबल में जो सेकंड कॉलम है उसमें वी जो निकाला हुआ है इसी तरह से निकाला हुआ है, क्योंकि फर्स्ट टेबल में जो रीडिंग है उसका मीन कितना आ रहा है नीचे लिखा हुआ है. बताओ जरा, सर 2.3321 है ना,
इसको हर आप ऑब्जर्वेशन और हर रीडिंग में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा v रेसिडुअल एरर। रेसिडुअल एरर, अब रेसिडुअल एरर का हमने फिर स्क्वायर किया हुआ है ना, क्योंकि कल हमने कहा था कि रेसिडुअल एरर को मिनिमाइज करना है हमें किसकी हेल्प से, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। और प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या कहता है कि समेशन ऑफ रेसिडुअल एरर स्क्वायर को अंडर रूट करेंगे, उसको मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो हमने रेसिडुअल एरर निकाला, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर उसका समेशन कर दिया थर्ड टेबल में, और हमारे पास एक सिंगल ऑब्जर्वेशन में प्रोबेबल एरर निकालने की इक्वेशन कल मैंने बताई थी, वो थी प्लस माइनस 0.6745 अंडर रूट समेशन ऑफ रेसिडुअल एरर डिवाइड बाय एन माइनस वन। ठीक है, अगर इस टेबल में हमें वेट दिया होता, हर रीडिंग का वेट वन या हर रीडिंग का अलग वेट होता, तो डब्ल्यू का भी इसी से हमारा ई एस प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन निकल के आया है प्लस माइनस 0.01295। ठीक है, और अगर मैंने लास्ट क्लास आपको याद है तो बताया था कि अगर मीन में निकालना है आपको प्रोबेबल एरर, तो आपको सिंगल ऑब्जर्वेशन का जो एरर आया है उसी को अंडर रूट एन से डिवाइड कर देना है। तो कितना सिंपल है, बस आपके पास जो जैसा अभी न्यूमेरिकल दिखाया है मैंने वैसा न्यूमेरिकल आएगा एसटीज में, और आपको निकालना होगा दो तीन चीजें और निकालनी हो सकते हैं, बताएंगे आगे बताएंगे, लेकिन दो चीजें तो हो गई कि अगर आपको एक सीरीज ऑफ रीडिंग में सिंगल ऑब्जर्वेशन एरर निकालना है प्रोबेबल एरर, तो फॉर्मूला होता है प्लस माइनस 0.6745 अंडर रूट समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल एरर डिवाइड बाय एन माइनस 1। और अगर आपको प्रोबेबल एरर निकालना है मीन का, तो आपको सिंगल ऑब्जर्वेशन का जो एरर आया है उसको अंडर रूट एन से डिवाइड करना है। तो इस तरह से हम प्रोबेबल एरर निकाल सकते हैं। राज जो भी है, यस सर, यार बताओ इसमें क्या कुछ ऐसा है जो समझ में आया हो तो बताओ मेरे को। नो सर, आगे समझ है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई है ऐसा जिसको समझ में आया हो, मैं दोबारा बता दूंगा, नहीं आया तो तिवारा और आप पीछे का भी बता सकते हैं कि समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक चीज। हाँ बताओ सर, वो मतलब प्रोबेबल एरर के बाद क्या क्या है, रेसिडुअल एरर के बाद? आपने ना एक टेबल में प्रोबेबल आपको एक रीडिंग दी हुई है आठ, उसमें आपको निकालना है प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन और प्रोबेबल एरर ऑफ मीन। सबसे पहले प्रोबेबल एरर समझो कि एक वैल्यू में कितना चांस है एरर आने का, प्लस माइनस है ना। तो जैसा आपको रीडिंग लेते हो तो कहते हो इसमें से 0.05 प्लस कर दो या माइनस कर दो, इतना चल जाता है। उसी तरह से प्रोबेबल एरर निकालना है सिंगल ऑब्जर्वेशन का और प्रोबेबल एरर निकालना है मीन का। तो उसका तरीका क्या है, सबसे पहले आठ की आठ रीडिंग आपने एक टेबल में लिख ली, उसका मीन निकाल लिया। उसके ऊपर रेसिडुअल एरर क्या होता है, रेसिडुअल दो तरह के एरर होते हैं देखो, रेसिडुअल एरर और एक ट्रू एरर। ट्रू एरर क्या होगा कि ट्रू वैल्यू में से ऑब्जर्व वैल्यू माइनस कर दोगे तो ट्रू एरर निकल जाएगा, बट अगर रेसिडुअल एरर निकालना है तो ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। अब तुम देखो कोई रीडिंग है ए और बी के बीच के कोई रीडिंग है 10 मीटर, ये ट्रू वैल्यू है 10 मीटर, ये हमें नहीं पता। हमें क्या पता है, जो मैंने मेजर किया 10.1, मैंने मेजर किया 10.1 और इसका जो मीन निकल के आ रहा है वो आ रहा है 10.05। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो होगा वो होगा रेसिडुअल एरर, ट्रू एरर नहीं है, रेसिडुअल एरर है। तो रेसिडुअल एरर का स्क्वायर किया तो एक कॉलम और मिल गया, उसको समेशन किया तो वैल्यू मिल गई समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल एरर। फिर आपके पास इक्वेशन है सिंगल एरर प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन का, फिर प्रोबेबल एरर ऑफ मीन का, आखिर दोनों इक्वेशन उसमें वैल्यू पुट की और आपको निकल गया। ये जो प्लस माइनस में जो वैल्यू निकली है ना, फर्स्ट वैल्यू जो निकली है, इसको उसका मतलब है कि जो रीडिंग है कोई भी रीडिंग लो उसमें मैक्सिमम प्रोबेबल एरर आने के जो चांस है वो प्लस इतना माइनस इतना है। और जो सेकेंड आपका आंसर आया है वो है मीन के अंदर
प्रोबेबल एरर आने का कितने चांस है, प्लस माइनस। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो एक चीज आपको याद रखनी है कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या कहती है, रैंडम एरर जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अगर आपको टोटल एरर निकालना है, प्रोबेबल एरर, तो वो क्या होगा, वो होगा समेशन स्क्वायर ऑफ और सिंगल यूनिट का जो एरर होगा। जैसे इसमें दिया हुआ ईटी, ईटी का मतलब है टोटल प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू अंडर रूट रीडिंग E1 का स्क्वायर प्लस रीडिंग E2 का स्क्वायर प्लस रीडिंग E3 का प्लस माइनस EN का स्क्वायर। ये आपका थ्योरी कहती है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, जरा मैं पूछ लेता हूँ किसी को समझ में आया हो तो। नमन यादव, नमन यादव, ये नमन यादव कहाँ चला गया है? सर कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही सर। ओके, विवेक कुमार नागर, विवेक कुमार नागर है? सौरभ भूषण? यस सर। हाँ सौरभ भूषण, मैंने जो अभी बताया है, क्या बताया मैंने जरा बताओगे? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही थी सर। मैं कह रहा हूँ जो मैंने अभी कुछ बताया था, वो क्या बताया था बताओ जरा, स्लाइड में लिखा हुआ है। एक्युमुलेशन ऑफ एरर बताया था सर। क्या कहता है ये? सर इसमें रैंडम एरर्स होते हैं, उसका रूट अंडर निकाला जाता है प्लस माइनस करके। टोटल एरर निकालना आपको है ना? ई का मतलब है प्रोबेबल एरर। अगर आपको बहुत सारे रैंडम एरर्स हैं, उनका सम निकालना है, टोटल निकालना है, तो इस तरह से निकालोगे आप, उसका अंडर रूट स्क्वायर प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब जो मैं बताने वाला हूँ कंप्यूटेशन ऑफ एरर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, डेरिवेशन कुछ नहीं आती इस पे, हमेशा न्यूमेरिकल आता है और बहुत इजी है। अभी तक जो हम कह रहे थे कि सीरीज ऑफ रीडिंग्स में एरर निकालना है, प्रोबेबल एरर, मैक्सिमम एरर, मीन एरर। अब ये कह रहे हैं कि अगर दो रीडिंग्स को, दो ऑब्जर्वेशन को, या क्वांटिटीज भी उसी को बोलते हैं, दो क्वांटिटीज को अगर हम एड कर दें, तब उसमें हम कैसे एरर निकालेंगे, प्रोबेबल एरर। ठीक है, तो फर्स्ट ए पॉइंट में आप देखो, एस एक इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स एक क्वांटिटी है, एक मेजरमेंट है, एक वाई एक क्वांटिटी है। इन दोनों के सम को कर दिया तो हमने मान लिया कि वो एस है। ठीक है, अगर आप एस में निकालोगे मैक्सिमम एरर, तो उसको हम डेल्टा एस से शो करते हैं। मैक्सिमम एरर आपको मैंने बताया था कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट है, आप उतना जीरो लगा के फाइव लगा दोगे, वो मैक्सिमम एरर होता है। तो टोटल क्वांटिटी एस में अगर आपको मैक्सिमम एरर निकालना है, तो एस प्लस डेल्टा एस हो गया। और अगर आपको सिंगल क्वांटिटी में निकालना है, तो एक्स प्लस डेल्टा एस और प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई। जरा मैं पेंट खोल लेता हूँ, इसमें आपको एक बार और सही से समझा देता हूँ। एक रीडिंग है हमारी एक्स और एक रीडिंग है हमारी वाई। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को प्रोबेबल एरर बताओ एक दोनों के एडिशन का। अगर मैं x में आपसे पूछता प्रोबेबल एरर, तो आप क्या बोलते? अगर x बराबर है 10 मीटर, ठीक है, तो आप मेरे को क्या बोलते कि मैक्सिमम एरर क्या होगा, डेल्टा x क्या होगा? डेल्टा x होगा 0.5। और मैं पूछूं आपसे प्रोबेबल एरर क्या होगा एक सिंगल वैल्यू में, तो 0.25। ये होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम लिमिट ऑफ
लिमिट ऑफ एरर और प्रोबेबल लिमिट ये होगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं वाई में ले लूं 11.58 मीटर, एक रीडिंग है हमारी वाई 11.58 मीटर, तो इसमें मैक्सिमम एरर कितना होगा डेल्टा वाई, मैं पूछ लेता हूँ किसमें होगा, किसी एक से 0.005। हाँ, किसने बताया ये? राज चौपे सर। ठीक है, 0.005। और अगर मैं इसमें पूछूं प्रोबेबल एरर कितना होगा? 0.0025। हाँ, 0.0025। बट अब क्या है, ये कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं, यानी कि कोई s बराबर हो गया x प्लस y, तो कह रहा है कि मुझे अब s में बताओ कि s में प्रोबेबल एरर कितना होगा। तो सिंपल सम नहीं होगा, क्योंकि अभी बताया है कि जो अभी बताया था अंडर रूट स्क्वायर रूट जाएगा, तो देखो जरा पीपीटी में इसमें अगर आप मैक्सिमम एरर की बात करो तो s प्लस डेल्टा s हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x और प्लस y प्लस डेल्टा y। बट अगर हम प्रोबेबल एरर की बात करें तो s प्लस माइनस es इज इक्वल टू x प्लस माइनस ई एक्स प्लस वाई प्लस माइनस ई वाई, और x प्लस वाई को अलग ले लेंगे और जो हमारा समेशन ऑफ प्रोबेबल एरर बचा हुआ है उसको हम किस तरह से लिखते हैं, अंडर रूट में लिखते हैं, ठीक है। इसको जरा ध्यान से समझना कि हुआ क्या है यहाँ पे, जब हमने x और y को अलग ले लिया इक्वेशन से तो हमारे पास बचता है प्लस माइनस ई एक्स प्लस माइनस ई वाई। बट थ्योरी कहती है कि जब भी आप दो या तीन या चार प्रोबेबल एरर का सम करोगे टोटल निकालोगे तो वो अंडर रूट स्क्वायर हो जाएगा, तो हमने उसकी जगह पर लिख दिया हुआ है अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, ठीक है। और x प्लस वाई हो गया हमारा s, तो s से s कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास प्रोबेबल एरर ऑफ एडिशन क्या मिल गया, ई एस इज इक्वल टू अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ये आपको याद रखना, इसका एक एग्जाम्पल करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर वाई, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ही कर लेते हैं तभी थोड़ा क्लियर होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ सर। पारस कह रहे हैं कि सर वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा, उसे ज्वाइन कर लो आप। पारस? यस सर। एक सेकंड देख लेता हूँ। Could not complete call आ रहा। क्या दिक्कत आ रही है पारस की, बताओ जरा पूछ के। ये तो join है पारस, तो उसमें सर उसमें लिखा रहा could not complete call। join पे क्लिक किया है, join पे क्लिक करना है उसको। यहाँ पे तो उनको ठीक है सब कुछ। अच्छा चलो, इसमें अभी इसमें तो एक सेकंड कुछ आया तो था अभी। नहीं नहीं कुछ भी नहीं आ रहा है, उससे बोलो दोबारा क्लिक करके लॉग आउट लॉग इन करके देखें, यहाँ से बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो फिर बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी क्लास करते हैं। अभी एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है आपको, एग्जांपल 2.2 सर। हेलो। हाँ सर दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, इस एग्जांपल से आपको समझ जाओगे बिल्कुल, तो ठीक है। इसमें देखो एक क्वांटिटी है s जो इक्वल टू है दो क्वांटिटी के सम के, 4.88 5.637, ये दो रीडिंग है, ठीक है। क्वांटिटी का मतलब दो रीडिंग है, आपने कोई a और b मेजरमेंट किया 4.88 आ गया, फिर आपने b c मेजर किया 5.637 आ गया, उन दोनों को सम किया, सम को बोल रहे हैं हम s। अभी बोल रहे हैं फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल एरर, मैक्सिमम लिमिट और मोस्ट प्रोबेबल लिमिट ऑफ द क्वांटिटी। अब देखो ध्यान से, सबसे पहली जो रीडिंग है 4.88, इसमें मैक्सिमम एरर क्या होगा 0.005, ठीक है। सेकंड रीडिंग है आपके पास 5.637, इसमें मैक्सिमम एरर कितना होगा
0.005 ट्रिपल जीरो होगा फिर 5 होगा, ये क्या आ गया आपका मैक्सिमम एरर। ठीक है, अब इस इक्वेशन में लिखते हैं एस प्लस डेल्टा एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो इस समेशन करने पे जो आ रहा है वैल्यू, अगर आप दोनों रीडिंग को सम करते हो तो आएगा 10.517, बट प्लस माइनस इसमें एरर कितना आ रहा है मैक्सिमम 0.055, यानी कि लिमिट क्या हो गई आपके सम की 10.5225 टू 10.5115। जो सम है दोनों रीडिंग का उसकी हमारे पास दो लिमिट आ चुकी है, और मैक्सिमम दो चीजें पूछिए, देखो मैक्सिमम लिमिट मैक्सिमम एरर, डेल्टा से जो डोनेट करते हैं वो मैक्सिमम एरर है, और उस एरर को जो क्वांटिटी में प्लस और माइनस करके जो वैल्यू आती है वो लिमिट्स हो जाती है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे 10.517 तो है समेशन ऑफ टू क्वांटिटी, और उसमें मैक्सिमम एरर कितना आ रहा है 0.00555। जब 0.0055 को प्लस एक बार करेंगे और एक बार माइनस करेंगे तो समेशन की लिमिट आ जाएंगे हमारे पास 10.5225 टू 10.5115, ये लिमिट्स आ गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मैक्सिमम एरर बताओ और मैक्सिमम एरर की लिमिट्स बताओ, तो मैक्सिमम एरर का मतलब हो गया वो एक पॉइंट के बाद जितने डिजिट है 5 लगाना है, फिर उसको प्लस माइनस करेंगे तो लिमिट्स आ जाएगी। अब पूछा है इसने कि प्रोबेबल एरर बताओ और प्रोबेबल लिमिट्स बताओ, तो सिंपल है, आपको बताया था कि प्रोबेबल एरर अगर आपको निकालना है किसी एडिशन में तो प्लस माइनस ई एस इज इक्वल टू होता है ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर अंडर रूट, और ई एक्स कैसे निकलेगा डेल्टा एक्स बाय टू, ई वाई कैसे निकलेगा डेल्टा वाई बाय टू, और उसका अंडर रूट कर देंगे तो आपको निकल जाएगा मोस्ट प्रोबेबल एरर, जिसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है जहाँ मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है 0.00251। अगर इसको हम समेशन में एक बार प्लस कर दें एक बार माइनस कर दें तो हमारे पास जो लिमिट आ जाएगी वो आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबल लिमिट। अब मेरे को कोई एक ये बताओ जो लिमिट आई है हमारी मैक्सिमम एरर की और जो लिमिट आई है हमारी मोस्ट प्रोबेबल एरर की, जो लिमिट्स आई है कौन सी ज्यादा नजदीक होगी आपके ट्रू वैल्यू के, कौन सी ज्यादा प्रिसाइज है। प्रिंस, हेलो प्रिंस है? यस सर। प्रिंस मेरे को बताओ ये दो हमारे पास लिमिट्स आ गए, एक तो आ गई है मैक्सिमम लिमिट जो है जहां मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, देखो ये मैक्सिमम लिमिट है। Yes, sir. जो नीचे वाला है यहाँ पर ये है प्रोबेबल लिमिट, कौन सी आपको ज्यादा प्रिसाइज लगती है? मैक्सिमम, मैक्सिमम वाली नहीं, देखो अच्छा अगर मैं पूछूं कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालो कैसे निकालोगे, दोनों क्वांटिटी का एवरेज निकाल लोगे है ना, अब मैं दोनों क्वांटिटी का एवरेज निकालता हूँ फिर देखते हैं कि ये क्या आंसर आता है। 4.88 प्लस 5.637 डिवाइड बाय 2, मेरे पास आ रही है वैल्यू 5.257। अच्छा चलो ये तो मीन की तो अलग बात हो गई, देखो इसमें जो वैल्यू की लिमिट्स कम है जो एरर कम है वो प्रिसाइज ज्यादा होगा ना। अगर मैं बोलूं 10 मीटर में 10.5 मीटर ज्यादा प्रिसाइज है 10.25 ज्यादा प्रिसाइज है तो 10.25 होगा, तो प्रोबेबल एरर जो है वो ज्यादा प्रिसाइज हो गया ना, उसकी लिमिट्स कम है, उसमें ज्यादा एरर ले रहे हैं मैक्सिमम में, उसमें कितना ले रहे हैं 20 है फिर 55 है, इसमें कितना ले रहे हैं 20 फिर 251 है दोनों में, तो एरर कम है तो प्रिसाइज वैल्यू तो समीशन की जो होगी वो नीचे वाली होगी ना प्रोबेबल एरर की। तुषार यादव? यस सर। तुषार यादव है? यस सर। आवाज आ रही है? हेलो हाँ तुषार,
तुषार अपनी राय बताओ जरा इसमें। मैंने पूछा है कि जो लिमिट निकल के आई है मैक्सिमम एरर की और एक लिमिट निकल के आई है प्रोबेबल एरर की, कौन सी ज्यादा प्रिसाइज लगती है, आप कौन सी चूज करोगे काम करने के लिए? प्रोबेबल। प्रोबेबल है ना, वो ज्यादा प्रिसाइज है, उसमें एरर ही कम ले रहे हैं, लिमिट ही कम ले रहे हैं एरर की, है ना। ये इस तरीके से हो गया कि एक इंसान ने, एक स्टूडेंट ने तो आधा मीटर ऊपर नीचे किया है और एक ने केवल 0.25 मीटर ऊपर नीचे किया है, तो 0.25 ने ऊपर नीचे किया तो वो ज्यादा प्रिसाइज हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये तो हमारा एडिशन में कैसे मैक्सिमम एरर निकालते हैं और प्रोबेबल एरर का, अब आता है सब्ट्रैक्शन में। तो बस यही याद रखना है आपको कि सब्ट्रैक्शन में भी सेम एज आपका एडिशन की तरह निकलेगा, वही आएगा, इसमें ऐसा नहीं है कि माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सेम एज एडिशन वही आप देखो इसमें निकल के आ रहा है प्रोबेबल एरर प्लस माइनस ES इक्वल टू EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर व्हिच इज सेम एज इन एडिशन। तो ये आपको याद रखना है, लेकिन अगर इसकी डेरिवेशन आती है, डेरिवेशन करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि हर जगह पे x माइनस वाई होगा जब आप ड्राइव कर रहे हो, बट जो प्रोबेबल एरर निकल के आएगा वो सेम एज एडिशन वाला निकल के आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लाई, ये लास्ट है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, दो क्वांटिटी हैं x और y, उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल टू आता है sk। ठीक है, अब हमें सबसे पहले मैक्सिमम एरर निकालना है, तो मैक्सिमम एरर निकालने के लिए जो डेल्टा x है, अगर केवल हम पहले एक वैल्यू करेंगे मैक्सिमम एरर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू डेल्टा s x is equal to y dot delta x। अगर हम y में निकालते हैं तो delta s y is equal to x dot delta y। अगर हम maximum error दोनों की बात करते हैं तो delta s is equal to y delta x plus x delta y। ये ध्यान रखना है आपको जहाँ पे मेरा cursor blink कर रहा है, इसमें ऐसे मत करना कि x into y into delta x into delta y, ऐसे नहीं होगा। इसमें सबसे पहले आपको x में निकालना होगा error maximum, फिर y में निकालना होगा, फिर sum करोगे दोनों का तब आपके पास इक्वेशन सॉल्व करके आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका, देखो उसके बाद प्रोबेबल एरर निकाला हुआ है तो आपका जो प्रोबेबल एरर की वैल्यू क्या है सिंगल डिजिट में y स्क्वायर ex स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन कैश में, और दूसरी डिजिट के में प्रोबेबल एरर क्या होगा x स्क्वायर y स्क्वायर, दोनों को सम करके अंडर रूट कर देंगे तो ES आ जाएगा। फिर इसमें से x y आपने कॉमन निकाल दिया जो इक्वल टू sk है, ES divided by S under root EX by X का square plus EY by Y का whole square। अगर मैं इसको थोड़ा सा पेंट में और समझाता हूँ, आपके पास एक S है जो है product of two quantity X and Y, इसमें हमें ये नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं करना है कि जैसे summation में क्या था कि अगर मैक्सिमम एरर निकालना है तो एस इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू एक्स वाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, सब में तो सम हो गया था, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इसको नहीं करना है, सबसे पहले आपको निकालना है इसको, अगर एक्स से ड्राइव करते हैं तो डेल्टा एस एक्स से डेरिवेटिव वो डिफरेंशिएट करते हैं तो डेल्टा एस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई डेल्टा एक्स। इसी तरह आपको डेल्टा एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स डेल्टा वाई। अब इन दोनों का सम करेंगे, ठीक है, सम करने के बाद इनको एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो मैक्सिमम एरर निकालना तो बहुत ईजी है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ प्रोबेबल एरर की तो उसमें आपको ये याद रखना है कि सिंगल में जो प्रोबेबल एरर होता है पहले वो ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन केस में, और फिर उसको स्क्वायर रूट करके दूसरे का भी स्क्वायर रूट कर देना, सम कर देना, तो आपके पास आ जाएगा प्रोबेबल एरर ऑफ प्रोडक्ट। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद आपका आता है डिवीजन, उसके बाद पावर का आता है, फिर आपका ये एरर्स का ना चैप्टर फिनिश हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा लीनियर मेजरमेंट। एक चीज और आपको बता दूं, आपका जो सैटरडे है उसमें दो लेक्चर्स हैं आपके,
आपको टाइम टेबल मिला है क्या? नो सर नहीं मिला. अच्छा चलो मैं बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, और ट्यूटोरियल ओवर्स में हाफ हाफ ग्रुप करके क्लास होगी. ठीक है, बता दूंगा जो प्रोसेस होगा. तो जो आपके जो एरर्स है ना, एक होता है आपका कि सिंगल मेजरमेंट, सिंगल ऑब्जर्वेशन में आपको प्रोबेबल एरर निकालना है, एक होता है मीन में कैसे प्रोबेबल एरर निकालना है, और एक होता है कि एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, और आपको डिवीजन में, पावर में कैसे निकालना है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो चुका है, मल्टीप्लिकेशन दोबारा होगा, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल होगा, डिवीजन एक दोबारा होगा न्यूमेरिकल होगा, पावर के ऊपर होगा एक न्यूमेरिकल हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी. यूनिट का मतलब अभी फर्स्ट यूनिट काफी बड़ी है आपकी, वही चलेगी. फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट स्टार्ट रहेगा जो है आपका लीनियर मेजरमेंट. किसी को पढ़ना हो तो घर पे गूगल पे सर्च करके पढ़ सकता है, लीनियर मेजरमेंट्स. ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे इसको करते हैं. ठीक है, क्लास को लीव करते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट सभी हैं. ठीक है चलिए.